कहानी की शुरुआत 21 दिसंबर की रात से होती है, जहां एक सांता क्लॉस टॉय चलता हुआ आकर एलिया नामी बच्ची पर अटैक करता है, जो कोई और नहीं उसकी मॉम आइवाना कंट्रोल कर रही थी। आइवाना की अपनी टॉय शॉप है, जो हर साल क्रिसमस के टॉयज बनाती है, लेकिन उसके टॉयज ओल्ड फैशन होने की वजह से ज्यादा सेल आउट नहीं होते। एलिया अपनी मॉम के इस प्रैंक पर उन्हें ग्रोन अप जैसा बिहेव करने को कहता है, जिस पर आइवाना कहती है कि टॉयज के यूज के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एलिया आइवाना से अपने डैड की वापसी का पूछता है, जिस पर आइवाना कहती है कि वो इस क्रिसमस जरूर वापस आएंगे। सीन्स अब अर्थ के नॉर्थ पोल पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ सांता क्लॉस फैक्ट्री में बहुत सारे एल्फ्स काम कर रहे होते हैं। वो हर साल बच्चों के लिए न्यू टॉयज बनाते हैं, जो वो क्रिसमस में उनको प्रेजेंट के तौर पर दे सकें। उन्हीं में से एक एल्फ, जिसका नाम ट्रिप है, वो फिर से कुछ न्यू मैजिकल टॉयज बनाकर सांता क्लॉस के पास उन्हें दिखाने लेकर जाता है, जिसमे पहले एक मैजिकल व्हिसल होती है, जिससे मुख्तलिफ आवाजें निकाली जा सकती है, जिससे उनके सांता बहुत खुश होते हैं और उसे कुछ आवाजें निकालने का कहते हैं, जैसे बिल्ली की, ग्रामोफोन की। ये व्हिसल हवा बाहर निकालने के बजाय अंदर लेकर जाने पर आवाजें निकालती है, और तभी ऐसा करते हुए वो व्हिसल ट्रिप के अंदर चली जाती है, जिसे सांता की असिस्टेंट ब्रायना ट्रिप को हेल्प करती है बाहर निकालने में। ट्रिप फिर उन्हें दूसरा टॉय दिखाता है, जो एक लड्डू है, जिसको घुमाने से पूरा का पूरा कमरा ही घूम जाता है, और वो ट्रिप के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिस पर सांता क्लॉस उसे ये टॉयज फेंकने का कहते हैं। और ट्रिप के साथ हमेशा से ऐसे ही होता आया है, वो जो भी टॉय बनाता है उसके कंट्रोल में नहीं रहते थे, जिस वजह से उसे उन्हें फेंकना पड़ता है, और आज तक ट्रिप का एक भी बनाया हुआ टॉय बच्चों तक नहीं पहुंचा था। दूसरी तरफ एलिया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर बैठे गेम कार्ड्स निकाल रहा होता है, जब उधर उसका सबसे बड़ा राइवल विटोरियो अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है। एलिया विटोरियो की फ्रेंड गायडा को पसंद करता होता है, लेकिन वो एलिया को हमेशा इग्नोर करती आई है। विटोरियो एलिया के हाथ से उसका कार्ड छीनने की कोशिश करता है, जिस पर एलिया और उसके दोस्त वहां से भागते हैं, लेकिन विटोरियो उन्हें पकड़ लेता है और एलिया से कार्ड छीन लेता है। जब एलिया उस कार्ड को वापस मांगता है, तो विटोरियो शर्त रखता है कि अगर वो उसके साथ स्लेट की रेस में जीत गया तो ये कार्ड उसका है, जो एलिया मान जाता है। आइवाना की शॉप में कायोका आता है, जो एक टॉय सेलर है। वो आइवाना को उसकी न्यू टॉयज खरीदने का कहता है, जिससे आइवाना की भी सेल बढ़ेगी, लेकिन आइवाना मना कर देती है, क्योंकि बच्चे आज न्यू टॉयज खरीदेंगे और कल फेंक देंगे, इससे वो पुराने ही बेचेगी। जिस पर कायोका कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी शॉप जल्दी बैंक्रप्ट हो जाएगी, जो पीछे से एलिया भी सुन लेती है। आइवाना कायोका के जाने के बाद एलिया को चेयर अप करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीन्स वापस नॉर्थ पोल पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ ट्रिप अपने टॉयज के बार बार रिजेक्ट होने की वजह से रिजेक्टेड टॉय सेगमेंट में जाकर अपना बनाया हुआ रेस्लिंग टेडी बेयर निकालता है और उसे एज अ गिफ्ट भेजने का सोचता है, ताकि सबको उसके अमेजिंग टॉयज के बारे में पता चल सके। वो एक रूम में आता है, जहाँ बड़ा सा सांता माउथ होता है, जिसको गिफ्ट भेजने के लिए यूज किया जाता है। ट्रिप उसे खोलता है और उसमें वो रेस्लिंग टेडी को डालने लगता है, लेकिन वो टेडी ट्रिप को उसमें गिरा देता है, और फिर ट्रिप एक गिफ्ट बॉक्स में रैप होकर सीधा एलिया के घर आता है। एलिया कुछ गिरने की आवाज सुनकर जब नीचे आता है, तो बड़े से गिफ्ट बॉक्स को देखकर उसे खोलता है, जिसमें ट्रिप निकलता है। एलिया उसे देखकर चीखने लगता है, मगर ट्रिप उसे बेहोश कर देता है। एलिया को जब होश आता है, तो ट्रिप ने उसे चेयर से बांधा होता है, और एलिया को चुप रहकर अपनी बात मुकम्मल होने का वेट करने का कहता है। ट्रिप एलिया को अपनी सारी सच्चाई बताता है, कहता है कि अगर क्रिसमस वाले दिन से पहले वो नॉर्थ पोल वापस ना गया तो वो मर जाएगा। इस एलिया को सांता को एक लेटर लिखना होगा, जिसमें वो ये गिफ्ट वापस करने की बात करेगा, और तभी ही ट्रिप वापस नॉर्थ पोल जा सकेगा। एलिया को ट्रिप की कोई बात पर यकीन नहीं आता, जिस पर ट्रिप एलिया का स्लाइम को टायरिंग स्लाइम में बदल देता है, जिस सारे गंद को अपने अंदर निकल लेगा, मगर उसे कोई भी लिविंग थिंग नहीं निकलने देनी, वरना वो स्लाइम एक्सप्लोड कर जाएगा। वो फिर स्लाइम को एलिया की टॉय शेल्फ में रखता है, जिससे स्लाइम खाने लग जाता है, जो ट्रिप को मजबूरन से उसे फ्लश में डालना पड़ता है। ट्रिप फिर एलिया को खोलता है, जो अब ट्रिप की मैजिकल पावर देखने के बाद उसकी बात मानते हुए एक लेटर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन डायलेक्सिया होने की वजह से लिख नहीं पाता, जिस पर ट्रिप उसे जल्दी लेटर लिखने को कहता है, तो एलिया गुस्सा करते हुए ट्रिप को घर से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि वैसे भी कल उसे स्लेट रेस जीतनी है, जिसके लिए उसे सुबह गैराज में पड़ी हुई स्लेट ठीक करना होगी। ट्रिप सीधा गैराज जाकर एलिया की स्लेट को ठीक करता है। नेक्स्ट डे यानी 22 दिसंबर को एलिया अपनी स्लेट को पहले ही ठीक देकर बहुत खुश होता है, और वो विटोरियो की बताई हुई जगह पर जाता है, जहाँ और भी बच्चे कॉम्पिटिशन के लिए आए हुए थे। रेस शुरू होने पर एलिया सबसे पीछे रह जाता है, जब उसे ट्रिप की आवाज आती है, जो एलिया से कहता है कि वो सीरियस जितवा सकता है अगर वो लेटर लिखने का प्रॉमिस करे, जो एलिया मान जाता है। फिर ट्रिप एक रिमोट कंट्रोल से स्लेट को कंट्रोल करते हुए एलिया को वो रेस जितवा देता है। सब लोग एलिया से ऐसी लेटेस्ट स्लेट कहाँ से खरीदने का पूछते हैं, जिस पर एलिया अपनी मॉम की शॉप का नाम लेता है। इसके बाद एलिया अपने दोनों दोस्तों को ट्रिप के बारे में बताता है और उन्हें उससे मिलवाता है। तभी एलिया की मॉम आइवाना भी वहाँ आ जाती है, जो ट्रिप को देखकर हैरान और खुश दोनों होती है, क्योंकि उनका हमेशा से एल्फ, सांता वगैरह पर यकीन रहा है। ट्रिप आइवाना की ट्रेन टॉय को उड़ने वाली ट्रेन में कन्वर्ट करता है, जो देखकर आइवाना बहुत खुश होती है। और तभी एलिया को एक ख्याल जहन में आता है, वो ट्रिप से कहता है कि वो बस दो दिन यहाँ मजीद रख जाए और अपने पावर से ऐसे ही मैजिकल टॉयज बनाकर उनकी सेल को बढ़ा दे, और वो 25
दिसंबर से पहले उसे वापस भेज देगा, जिस पर ट्रिप भी मान जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरियो अपने डैड जो कायोका है उससे अपनी हार का बताता है, जिस पर कायोका कहता है कि हार जीत मैटर नहीं करती, बस कभी पीछे ना हटना। कायोका अपने न्यू टॉयज का इतना बड़ा कंसाइनमेंट लेकर आया है जिन्हें वो मेजर कंपनीज में बेच देगा। 23 दिसंबर को ट्रिप उनके सारे टॉयज को मैजिकल टॉयज में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद आइवाना की शॉप की सेल बहुत बढ़ जाती है। उधर कायोका अभी अपने डॉग के लिए टॉय लेने आती है, जिसे देख के एलिया बहुत खुश हो जाता है। आइवाना ट्रिप को बताती है कि एलिया ने आज तक कभी बाइसिकल चलाना नहीं सीखी, क्योंकि वो ये अपने डैड से सीखना चाहता था जो इतने सालों में कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वो अलग हो चुके हैं। लेकिन ये बात एलिया को नहीं मालूम। ट्रिप जब शॉप से बाहर आता है तो वो एलिया को गायाडा, विक्टोरियो और इसके दोस्तों को एंजॉय करता देखता है। ट्रिप एलिया से उनकी बाइसिकल चुरा कर उसके साथ चलने को कहता है, जो एलिया करता है। और फिर वो एलिया को मैजिक से बाइसिकल चलाना सिखाता है, जिसके बाद वो दोनों आसमान में उड़ते हैं। लेकिन ट्रिप का मैजिक हमेशा कंट्रोल से बाहर होने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। एलिया ने गायाडा की बाइसिकल चुराई थी, जिसके पीछे बास्केट में उसका डॉग भी था। गायाडा उनकी आवाजें सुनती उधर आती है और एलिया को चोर बुलाती, जिस पर ट्रिप झूठ बोलता है कि एलिया ने तो उसकी मदद की है। गायाडा का डॉग बास्केट से निकल कर भाग गया था, तो एलिया ने उसकी बाइसिकल का बॉर्डर किया था डॉग को वापस लाने के लिए, जिसे उनका गायाडा एलिया का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ कायोका की हर डील कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उसे सब लोग उसके टॉयज देने से इनकार कर देते हैं और वो सब आइवाना के टॉयज में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, जिसे उनके कायोका को बहुत गुस्सा आता है। सांता के कपड़ों में उनके घर में अपने टेरी में कैमरा फिट करके टॉय रखाता है। नेक्स्ट डे 24 दिसंबर को एलिया ट्रिप की वापसी का लेटर लिखता है, और ट्रिप जाने से पहले एलिया को क्रिसमस गिफ्ट में बाइनोक्यूलर्स देता है, जिससे वो दूर बैठे शख्स को भी देख सकेगा। एलिया उसमें अपने डैड को किसी और लड़की का साथ देखकर हैरान हो जाता है और आइवाना पर चिल्लाता है कि उसने इतने सालों से उसे झूठ बोला कि उसके डैड क्रिसमस पर आएंगे, जबकि वो अपनी न्यू फैमिली के साथ बिजी है। तो ट्रिप कहता है कि उसके टॉय ज्यादातर डिफेक्टिव होते हैं और ये भी डिफेक्टिव है, जिस पर एलिया ट्रिप पर भी बहुत चिल्लाता है कि वो एक एल्फ होकर भी झूठ बोल रहा है और इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने डैड से मिलने की ना पूरी कर सका, और वहाँ से रूम में चला जाता है। आइवाना एलिया के पीछे रूम में जाती है और उसे समझाती है कि उसके लिए भी ये सब आसान नहीं था छुपाना, लेकिन बस वो इतना जानती है कि एलिया के फादर उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे ऐसे गुस्से नहीं करना चाहिए, जिससे उनका एलिया भी इमोशनल हो जाता है। ट्रिप एलिया की बातों से हर्ट हुए पार्क में बेंच पर जाकर बैठता है, जहाँ कायोका विक्टोरिया के साथ आकर ट्रिप को बेहोश करके अपनी फैक्ट्री ले जाता है। एलिया जब ट्रिप से माफी मांगने के लिए नीचे आता है तो ट्रिप को घर में ना पाकर उसे लगता है कि ट्रिप वापस चला गया है, जिस पर वो उदास हो जाता है कि ट्रिप उससे मिलकर भी नहीं गया। कायोका ट्रिप को ऐसी रस्सियों में बांधता है, जिससे ट्रिप का मैजिक भी फेल हो जाता है। वो ट्रिप को जात करने की शर्त में अपने डैडीज को जिंदा करने का कहता है। दूसरी तरफ एलिया के फ्रेंड्स को विक्टोरिया के दोस्त कुछ पोस्टर्स लगाते मिलते हैं, जिनके मुताबिक कायोका के गिफ्ट मैजिकल और लाइव है। वो इन पोस्टर्स को एलिया के पास लाता है, जो पर एलिया को समझ आ जाता है कि ट्रिप वापस नहीं गया और वो बाइनोक्यूलर से ट्रिप को कैदी के तौर पर देखता है। एलिया को सोफे के नीचे ही ट्रिप के लिए लिखे हुए लेटर भी मिलता है, जिसे वो बैग में रख लेता है। आइवाना उन सबको मशवरा देती है कि वो पोस्टर्स का पीछा करते हुए ट्रिप की लोकेशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्हें पोस्टर्स एंड होने के बाद ट्रिप कहीं नहीं मिलता, लेकिन उसकी कैप मिल जाती है। वो गायाडा भी आ जाती है, जिसे एलिया ट्रिप की सारी सच्चाई बताकर उनकी मदद करने के लिए कहता है। वो सब ट्रिप के बनाए हुए टॉयज को लेकर गायाडा की डॉग की मदद से ट्रिप को ढूंढते हैं। वो लोग कायोका की फैक्ट्री में ट्रिप के बनाए हुए टॉयज की मदद से जाते हैं और वहाँ सबकी धुलाई करते हैं। एलिया सबको डिस्ट्रैक्ट देकर ट्रिप के पास जाता है और वो लेटर निकाल कर उसे वापस भेजने लगता है, लेकिन एक टेडी उसे लेटर लेकर भाग जाता है। सीन्स आइवाना पर शिफ्ट होते हैं, जो एलिया के फ्लश से उस स्लाइडिंग स्लाइम को निकालती है और फैक्ट्री आती है। कायोका अपने आप को हारता हुआ देखकर सारे टेडीज को खुद पर लगने का कहता है, जिससे वो एक बड़ा सा क्रीचर बन जाता है जिससे कोई फाइट नहीं कर पाता। ये देखते हुए आइवाना वो स्लाइम छोड़ती है, जो कायोका को पूरा निगल लेता है, जिस पर एलिया को याद आता है कि जैसे ही स्लाइम को लिविंग थिंग खाएगा वो एक्सप्लोड कर जाएगा, और ऐसे ही होता है। कायोका बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एलिया टाइम देखता है, जिसमें 25 दिसंबर होने में कुछ ही मिनट बाकी है, और वो लेटर ट्रिप के ऊपर रखता है, जिससे लेटर गायब हो जाता है। तभी उधर सांता क्लॉस बाकी उसके साथ आता है, जिसे देख के एलिया उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन कायोका और उसके लोग बहुत हैरान। वो सब ट्रिप को वापस लेने आए होते हैं और ट्रिप रोते हुए एलिया से कहते हैं कि ये उसका बेस्ट क्रिसमस था, जिस पर एलिया भी इमोशनल हो जाता है। बाकी एल्व्स कायोका और वहाँ मौजूद बाकी लोगों की ट्रिप और एल्व्स वाली मेमोरीज इरेज कर देते हैं। मूवी के एंड सीन्स में हम एलिया के फादर को क्रिसमस वाले दिन एलिया से मिलने आने को देखते हैं, जिस पर एलिया बहुत खुश हो जाता है। एलिया और आइवाना की शॉप अब बहुत ज्यादा चलने लग जाती है और अब एलिया गायरा की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। ट्रिप बाइनोक्यूलर से अक्सर उन्हें देखा करता है और अब तो ट्रिप के टॉयज पूरी दुनिया में जाते हैं, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।